गुप्ता टेस्ट टेस्ट कवर करने वाले एंड कम्युनिकेशन सिस्टम तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आ, ये कहता है कि रेडियो मटीरियल जिसका मास एम है डीके कॉन्स्टेंट लेमडा है इसमें मोलर वेट जो है आपको एम दिया हुआ है तो आपको इनिशियल एक्टिविटी बताना है देखो सिंपल सा इनिशियल एक्टिविटी कैसे बताएंगे अपन एक्वल टू होता है लेमडा इन टू एन क्या है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस एन कैसे निकालेंगे एन ए इंटू मोल और मोल आप कैसे निकालोगे स्मॉल अपॉन कैपिटल एम तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को ओके okay. आते हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे सेकेंड क्वेश्चन में आपको रेडियो मटेरियल का फ्रैक्शन जो आ, एक्टिव न्यूक्लियस विल रिमेन अनडिसग्रेटेड जो यहाँ पे बचेंगे है तो ना उसमें आपको हाफ लाइफ हाफ ऑफ हाफ लाइफ का तो कितने बचेंगे बताना है तो देखो हाफ ऑफ हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो एन इक्वल टू क्या होता है एन नॉट ए टू दी माइनस लेमडा टी टाइम कितना दिया इन्होंने हाफ ऑफ हाफ लाइफ का मतलब और टी हाफ बाई टू ये हो जाएगा एन नोट ई टू दावर माइनस लेमडाई टू टी हाफ क्या होता है एल एन टू बाई लेमडा लेमडा से लेमडा खत्म तो यह आएगा एन नोट ई टू दावर माइनस हाफ एल एन टू तो ये कितना हो जाएगा एन नोट ई टू दावर एल एन

सीरीज लिमिट का मतलब होता है इनफाइनाइट से जंप करना तो इनफाइनाइट से जंप करने में फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है इसमें न्यू वन फिर बामर की सीरीज लिमिट क्या है ये न्यू थ्री और ये क्या है न्यू टू हमें पता है कि जो पहला फोटोन होगा उसकी एनर्जी और दूसरे और तीसरे फोटोन की एनर्जी इक्वल होगी तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं एच न्यू वन बराबर न्यू टू प्लस न्यू थ्री तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसका न्यू वन बराबर न्यू टू प्लस न्यू थ्री और ये बन जाएगा अपने पास न्यू वन माइनस न्यू टू फर्स्ट टू थ्री फर्स्ट ऑप्शन हो गया अपना यहाँ पे करेक्ट ओके okay? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में आपको इमेज ऑफ सन इज फाउंड ऑन द फोटो सेंसिटिव मेटल विद कॉन्वेक्स लेंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज आई लेंस इज रिप्लेस बायर सिमिलर लेंस ऑफ हाफ डायमीटर देखो अगर आप हाफ डायमीटर का लेंस जो है वो यूज करते हो तो उससे क्या होगा जैसे मान लो पहले सनलाइट इतनी सारी कवर हुई थी है ना तो अब आपने हाफ डायमीटर का लेंस यूज़ किया। चाहे फोकल कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो पहले एनर्जी कैप्चर हुई थी E1 और जो अब एनर्जी कैप्चर होगी E2। देखो इंटेंसिटी तो सन की सेम है ना लाइट की तो इंटें एनर्जी कैसे लिखोगे आप इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर कैसे लिखेगा अपन इंटेंसिटी इनटू एरिया तो इंटेंसिटी इंटू एरिया अब इंटेंसिटी एरिया जो है पहले कितना था यहां एरिया था पाई आर स्क्वायर यहां एरिया कितना हो जाएगा पाई आर टू क्योंकि डायमीटर आधा मतलब रेडियस भी आधा तो जो एनर्जी वन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और दूसरा जो एनर्जी टू आएगी वो आएगी इंटेंसिटी इंटू पाईआर स्क्वायर बाई फोर तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो E1 एनर्जी है E2 एनर्जी है वो कितना है E1 का वन फोर्थ वन फोर्थ एनर्जी आने का मतलब पर सेकेंड एक चौथाई आ रहे हैं वन फोर्थ फोटोन आ रहे हैं तो बात है इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसका मतलब करंट भी कितनी तो हो जाएगी वन फोर्थ तो सिंपल सा यह कंसेप्ट क्या है एनर्जी वन फोर्थ होगी तो इसका मतलब करंट भी वन फोर्थ होगी ओके फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टेन टाइम्स इज सोडियम टेन टाइम जो आयोनाइज सोडियम है उसकी आयोन एनर्जी पूछा आपसे तो देखो आयोन एनर्जी चार्ज है इसका मतलब यहाँ पे तो 11Z, इसका और फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर भेजना है बस तो उसके लिए आपको जो इसकी एनर्जी उतनी देनी पड़ेगी ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कितना हो जाएगा थर्टीन पॉइंट सिक्स Z कितना है Z है मेरे पास इलेवन स्क्वायर और वन स्क्वायर तो ये हो जाएगा वन ट्वेंटी वन इंटू थर्टी पॉइंट सिक्स कितना हो जाएगा मेरे पास थर्ड ऑप्शन इसका फिफ्थ का आ जाएगा ओके सिक्स की बात करते हैं सिक्स में देखो आपको हाइड्रोजन जो है उसमें टेन पॉइंट टू का फोटोन डाला है इलेक्ट्रॉन टू से वन में ट्रांजिशन होता है लाइट जो है वो लेमडा इमिट होती है तो आपको बताना रिकॉइलिंग अगर कंसिडर करें तो जो इमिटेड लाइट है उसका क्या होगा देखो आपने फोटोन डाला लेमडा का ठीक है तो जितनी एनर्जी लेके आया था यहां से जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन वापस जब ग्राउंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा फर्स्ट और, से फर्स्ट में आएगा तो वो भी एक फोटोन इमिट करेगा उसकी एनर्जी मैंने मान ली ई लेकिन साथ में एटम भी तो रिकॉइल करेगा ना तो हम ये बोल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से E1 और E2 टू मिला के कितना होगा E मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो है वो E से तो कम है इसका मतलब hc सी बाई ले टू लेस देन एच सी बाई लेमडा इसका मतलब लेमडा टू जो है या लेमडा जिसको बोला इसको लेमडा नोट बोला है तो लेमडा जो है इसका मतलब वो कंफर्म ज्यादा होगा किससे लेमडा नोट से तो लेमडा इज ग्रेटर देन लेमडा नोट ये मेरा थर्ड ऑप्शन यहां पे बन जाएगा ओके आते हैं हम हमारे हम आते हैं हमारे सेवन क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको बोला है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी माइनस थ्री पॉइंट फोर एट टोटल एनर्जी तो आपको बताना उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी तो देखो जितना टोटल एनर्जी होता है उसी का मैग्निट्यूड होता है काइनेटिक एनर्जी क्लियर है तो तो इसका अंदर 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब इसका एक्सलरेटिंग वोल्टेज इलेक्ट्रॉन का 3.4 वोल्ट रहा होगा इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप कैसे निकालोगे 12.27 अपॉन थ्री uh, पॉइंट रूट में तो 12.27 पॉइंट रूट थ्री होता है 1.732 इसको ऑलमोस्ट 1.8 मान लेता हूं तो वन से अगर आप इसमें डिवाइड करोगे इसको तो ऑलमोस्ट आपका और ये एंग स्ट्रॉग में होता है तो सिक्स टेन पर माइनस टेन अपना सेकेंड ऑप्शन इसका बन जाएगा ओके okay? तो ये आ गया अपना आंसर फिर आते हैं हम हमारे एट क्वेश्चन पे एट क्वेश्चन में आपको यहां पे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है

तो इसलिए जब तक ये एनर्जी 10.2 से कम रहेगी तब तक तो ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज बिना एनर्जी लॉस के निकल जाएगा है ना? इसलिए है ना इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि कोलिजन जो है पूरी तरह से क्या होगी इलास्टिक हो जाएगी सेकेंड ऑप्शन फिर आपको बोला है कि नाइन्थ में, में एक मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन की बने से जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल आइनर्ज एटम के चारों ओर चक्कर कटवा दिया तो आपको बताना है कि उसके लिए मैक्सिमम uh, वेवलेंथ जो है लाइट की कितनी होनी चाहिए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे आप लाइट की जो वेवलेंथ इसमें इंसिडेंट करवाओगे वो कुछ तो वर्क फंक्शन में जाएगी कुछ उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ठीक है अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना जब कोई चार्ज के अराउंड ये चार्ज भी कितना है सिंगल आइन एस डेटम है ना इसलिए इसका चार्ज कितना हो जाएगा प्लस ई e, ठीक है और साथ में इसकी

एच सी माइनस लेमडा माइनस फाइव इक्व टू के ई अपॉन टू और आर की वैल्यू क्या है डी के बराबर है तो ये हो जाएगा मेरे पास ई स्क्वायर अपॉन एट पाई एफ सेवन नोट डी प्लस फाइव बराबर एच सी बाय लेमडा तो ये हो जाएगा Dhc, 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 d5 e ये अपना टेंथ तो क्वेश्चन तो बस ये इन दोनों एनर्जी को इक्वल करना है जो टोटल एनर्जी यहां है वही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी इसमें घूमने के बाद ओके फिर आता है दस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ड्यूट्रॉन के लिए इस तरह से है और दो न्यूट्रॉन मिलके हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं तो आपको बताना है कितनी एनर्जी रिलीज हुई देखो 1H ऑफ uh, 2H4 बना किससे 1H2 प्लस 1H2 से अब इसमें देखो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी थी 1.1 तो 1.1 2 माइनस में है इधर कितना है 1.1 2 ये भी माइनस में है अब इसके पास कितना है 7 और माइनस में 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऐसे चार हैं तो पहले टोटल एनर्जी कितनी थी माइनस फोर पॉइंट फोर अब टोटल एनर्जी कितनी है से और कम हुई एनर्जी, 28 तक गई। इसका कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स तो अपना सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इससे है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी ओके तो अपना सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इलेवन पे बात करते हैं जब आप इसमें एक्सलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाते हो के केस में वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है देखो ये जो के होता है ना ये केवल पे डिपेंड करता है तो ये तो चेंज होगा नहीं लेकिन जो लेमडा मिनिमम है ये सी जो है वो अपन ये बोल सकते हैं वोल्टेज बढ़ाने से घटता है जैसे आप एक्सलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे लेमडा सी और घटेगा ठीक है तो देखो ये चीज तो घट के और पीछे जाएगी है ना तो ये जो डिफरेंस है वो तो बढ़ता जाएगा तो लेमडा के और लेमडा सी का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा ध्यान रखना वोल्टेज बढ़ाने से लेमडा सी और कम होगा है ना ऐसे नेगेटिव तो नहीं जाएगा बस पीछे की तरफ शिफ्ट होगा कहने का मतलब ठीक है तो का अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट उसके बाद बात करते हैं की ट्वेल्थ में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन प्लॉटेड फॉर टू डिफरेंट इसमें आपको बोला है कि किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है देखो जिसके लिए फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वाली ज्यादा है थ्रेशोल्ड वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का किसके लिए बी के लिए तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो बी के लिए ज्यादा है किससे ए से इसका मतलब वर्क फंक्शन भी बी का ज्यादा है किसके मुकाबले ए से तो ए का वर्क फंक्शन जो है वो बी से तो आ, कम है अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक फिर इसका आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन 13 पे 13 में आपको बोला है कि एक डायोड है वो डायोड जो है वो हमेशा 0.5 का वोल्टेज ड्रॉप करता है ठीक है और इसकी पावर रेटिंग जो है वो 100 मिलीवाट है तो डायोड के लिए बात करते हैं है ना पावर क्या होता है वोल्टेज इनटू आई, ये दिया आपको 100 मिलीवाट यानी कि 10^-3 वोल्टेज कितना दिया है 0.5 और ये आ जाए करंट तो करंट की वैल्यू आएगी 1/5 अब देखो 0.5 इसने खा लिया तो इस बार कितना बचेगा इधर बचेगा 1 वोल्ट है ना अब इधर 1 वोल्ट बच गया तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी r वोल्टेज जो रेजिस्टेंस पता है वो आता है i r ये कितना है 1 वोल्ट i कितना है 1 5 r तो r कितना हो जाएगा 5 ओम तो अपना सेकंड ऑप्शन मतलब 0.5 वोल्ट इस पे ड्रॉप है इसकी पावर पता है उससे करंट निकालो करंट पता है और इसका वोल्टेज इस पता है तो रेजिस्टेंस भी निकाल लो ठीक है कौन सा डायोड फॉरवर्ड में फॉरवर्ड बायस के लिए कंडीशन क्या है कि हमेशा जो फॉरवर्ड बायस में पी टाइप है वो पॉजिटिव होना चाहिए एन के कंपैरिजन में पॉजिटिव मतलब होता है ज्यादा जब भी अपन प्लस लिखते हैं ना डायोड में प्लस का मतलब क्या होता है ये प्लस ये माइनस मतलब प्लस का मतलब होता है हमेशा हाई वोल्टेज और माइनस का मतलब होता है लो वोल्टेज प्लस का मतलब प्लस से ही नहीं होता है ध्यान रखना ठीक है तो अपना फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हाई और लो के हिसाब से फिफ्टीन की बात करेंगे आपको इसमें बताना है कौन सा जो गेट है वो ये है तो देखो यहाँ पे ये होता है नॉट गेट जब भी आप एंड गेट के दोनों इनपुट को कॉमन करते हो नॉट गेट बन जाता है तो ये जाएगा ए बार बी बार दोनों नॉट गेट की तरह काम कर रहे हैं फिर क्या करा मैंने ए बार डॉट बी बार को फिर ऐसे किया तो ये बन जाएगा ए बार बार ए बी बार बार यानी कि ए प्लस बी तो क्या बन गया और गेट की तरह काम कर रहा है ठीक है उसके बाद आते अपन सिक्सटीन क्वेश्चन पे सिक्सटीन क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है सिंपल सी बात है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ठीक है तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो इस केस में अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ठीक है उसका आता है हम हमारे सेवनटीन क्वेश्चन पे तो टीवी ब्रॉडकास्ट जो है वो कितना एरिया कवर करेगा इसमें सिंपल सा फॉमला होता है एरिया जो होता है वो पाई आर और रेंज के लिए आपके की वैल्यू कितना दिया आपको सिक्स पॉइंट फोर टेन टू दावर ट्वेंट सिक्स और एच दिया हुआ है सो तो सॉल्व करने पर आपका आंसर बन जाएगा वन पॉइंट टू एट पाई किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर ध्यान रखना ये मीटर में। में में ठीक है है है। उसको कन्वर्ट करोगे अपना सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। फिर आते हैं एटीन पे एटीन में आपको रेजिस्टेंस जो जो वो वायर का। आप इस तरह से वोल्टेज लगा के गेन करते हो सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है। तो कि जोड़ते तो v की परसेंट एरर कितनी है तीन परसेंट इसकी एरर कितनी है तीन परसेंट दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा छ परसेंट है ना डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन हमेशा परसेंटेज एरर जुड़ती है तो अपना आंसर आएगा परसेंट। उसके बाद आता है अपने पास नाइनटीनटीन नाइन में आपको प्रिज्म एंगल मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर दिया हुआ है अब उसका जो स्केल है ना उसके बारे में क्या दिया है कि एक एम एस डी जो है वो पॉइंट फाइव डिग्री के बराबर है जैसे वर्नियर कैलिपर्स में यूज करते हो ना कंसर्ट वैसे ही काम में लेना है फिर उसके बाद बोला है कि तीस जो आपका वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है वो कितने के बराबर है ट्वेंटी नाइन एम के बराबर तो एक वी कितना हो जाएगा ट्वेंटी नाइन बाई थर्टी और एमएसडी का मतलब क्या है पॉइंट फाइव डिग्री तो ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन बाई सिक्सटी अब इसके बाद अपने पास आता है लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा 1msd वर्नियर का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला जो होता है वो यूज कर लो तो कितना हो जाएगा 1msd यानी कि 1/2 29/60 तो कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री ठीक है ये तो आया लिस्ट काउंट अब इसके बाद आपको क्या करना है रीडिंग बतानी है तो देखो मेन स्केल की रीडिंग कितना है 58.5 प्लस वर्नियर की रीडिंग 9 प्लस लिस्ट काउंट 1/60 तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट वन फाइव तो ये हो जाएगा फिफ्टी एट पॉइंट सिक्स फाइव थर्ड ऑप्शन ओके ये आ गया okay? अपना नाइनटीन उसके बाद अपन बात करते हैं ट्वेंटी की ट्वेंटी में एमएलटी में परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है तो आपको इसके मेजरमेंट की परसेंटेज एरर बतानी है देखो सिंपल सी बात है एम की सिंगल पावर है ना तो वन इंटू वन परसेंट देखो मैक्सिम के लिए हमेशा प्लस ही करना होता है ठीक है तो ये भी चाहे पावर माइनस हो अब आप इस परसेंटेज को भी नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर कर दो दो 1.5 ऐसा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करो कि एरर हमेशा बढ़े है ना तो देखो ये अपने पास टोटल कितनी रहेगी तीन साढ़े चार और एक साढ़े पांच साढ़े पांच परसेंट की टोटल मैक्सिम एरर आ सकती है इसकी

और उसकी भी तीन हाफ लाइफ के बाद है है है, ना, यानी कि की पावर थ्री। और ये कितना है? सी बाई टेन है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं बाई एट है ना सी की वैल्यू लेमडा एन बाई टेन तो डेश कितना रहा था इसका मतलब एट बाई टेन एन तो एट बाई टेन तो हमने रखा है ना इसका मतलब आपने कितना

Z-बी ये होता है ना मोजले रूल का स्टेटमेंट के हिसाब से तो लेमडा हो जाएगा z माइनस बी का स्क्वायर इसका मतलब अपॉन लेमडा डेष बराबर 51 वन माइनस बी के एल्फा के लिए बी की वैल्यू बन होती है तो ये कितना हो जाएगा uh, z माइनस वन का स्क्वायर और ये कितना फोर लेमडा दिया हुआ है ना तो इससे इसको काट दो तो ये हो जाएगा आपके पास 51 वन माइनस वन बराबर ट्वाइस ऑफ z माइनस वन तो ये कितना जाएगा जेड आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स ये आपका आंसर बन जाएगा इसमें अगला आता है थर्ड थर्ड में आपको वन टू थ्री में करंट बताना है एमीटर में देखो सिंपल सी बात है यहां पॉलिरिटी को चेक करोगे तो ये करंट ऐसे फ्लो होगी है ना ये करंट ऐसे फ्लो होगी ये दोनों मिलके इधर चली जाएगी करंट तो केसीएल अगर सिंपल सा लगाओगे तो आई थ्री थ्री की वैल्यू दी हुई टेन वन uh, की वैल्यू दी हुई है एटी तो एटी इधर है टेन इधर है मतलब इधर से कितना आया होगा सेवेंटी आया होगा सिंपल से KCL रूल लगा के करना है इसको है ना उसके आते अपन फोर्थ फोर्थ पे फोर्थ में आपको ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस का गेन दिया हुआ है कितना पॉइंट नाइन सिक्स तो कॉमन इमिटर का बताना है. तो वन अपॉन एल्फा माइनस वन अपॉन बीटा कितना होता है वन होता है वन अपॉन पॉइंट नाइन सिक्स माइनस बीटा इज दिस सोल्व करोगे तो बीटा कितना आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी फोर उसके बाद आता है फिफ्थ फिफ्थ में आपको यहां एरर बताना है तो देखो P में परसेंटेज रहने के लिए आप क्या करो पहले इसको डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएट करोगे तो P नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स और साथ में माइनस एल्फा अब क्या करो इन दोनों को डिवाइड करो डी पी अपन पी करो तो पी नॉट ई टू दावर माइनस अल्फा एक्स और माइनस एल्फा पी नोट ई टू दावर माइनस अल्फा एक्स तो देखो ये तो पूरा कट रहा है ये पूरा कट रहा है तो ये क्या आ रहा है माइनस अल्फा एल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा है पॉइंट अच्छा साथ में डीएक्स भी तो आएगा ना आप डिफ्रेंसियन करो तो और आएगा एल्फा डॉट डी एक्स अब इसमें साथ में यहाँ डीएक्स और लिखना है ये तो ई का ये हो ना साथ में x का भी तो होगा p में के लिए अपना तो तो कट जाएगा इसमें की कितनी है? टू डीएक्स कितना है पॉइंट जीरो हो जाएगा डी पी बाई पी परसेंटेज एरर के लिए सो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना टू परसेंट ओके तो ये फ्रैक्शनल एरर इसको सो से मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा टू परसेंट तो ये अपना मिड सेशन का यहाँ पे डिस्कशन कंप्लीट होता है जेही मेंस का काफी इजी पेपर था आई होप सभी का अच्छा गया होगा ओके बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट